आपसे पूछिए कौन है ये लोग, मतलब कहां से आते हैं ये लोग। 4500 किलोमीटर दूर है फिलिस्तीन। हमास स्वतंत्रता सेनानी है। हमास को आतंकवादी जब मीडिया कहता है तो इनको दर्द होता है, कई लोगों को दर्द होता है। और हमास जो है स्वतंत्रता सेनानी है और उसको आतंकवादी नहीं कहना चाहिए। ये आपके हमारे बीच में है ये लोग, मतलब आपको लग रहा हो ये जो बयान चल रहे हैं सारे, ये हम लोग कहीं फिलिस्तीन से हमने कुछ वॉक्स पॉप मंगवा लिया। वॉक्स पॉप होता है जब लोगों से बात करते हैं, मतलब आपको लग रहा होगा कि ये न्यूज 18 नेटवर्क 18 पर ये हमने फिलिस्तीन जो हमारे रिपोर्टर जो इसराइल गए हैं या फिलिस्तीन हमने वहां से लोगों से बात करी। नहीं भाई साहब, ये आपके यहाँ के लोग हैं, हमारे आसपास हमास, हमारे आसपास के लोग हैं ये जो कह रहे हैं। अभी आपने सुना कि हमास स्वतंत्रता सेनानी की तरह है। मीडिया जब हमास को आतंकवादी संगठन कहता है तो इनको बुरा लगता है, हमास को गाली दर्द इनको हो रहा है, कई लोगों को हो रहा है। आप मतलब हैरानगी होती है इन चीजों से। हमारे आसपास भी है हमास, मतलब सोचिए आतंकवादी संगठन। हमास ने अपील तो की थी कि दुनिया के मुस्लिम देश और अरब देश, मुस्लिम देशों और अरब देशों से, कि वहां के मुसलमान शुक्रवार को जुमे के दिन अपने घरों से बाहर निकले, मस्जिदों में जाएं, हमास के साथ एकता दिखाएं और फिलिस्तीन के लिए दुआ मांगे। यहां पे लोगों ने बहुत सीरियसली लिया हमास की अपील को, हमास की अपील को लोगों ने दिल पे लगा लिया। अपील की गई हमास की तरफ से कि आज के दिन ग्लोबल जेहाद डे बनाएं, मतलब जुमे के दिन ग्लोबल जेहाद डे। ये आतंकवादी संगठन हमास चाहता था कि पूरी दुनिया के मुस्लिम देश अरब मुल्क आज बनाए। भारत से तो अपील भी नहीं की, लेकिन इन लोगों ने पर्सनली ले लिया यहां पर कई लोगों ने कि हमास की बात हो रही है। इस अपील का सबसे ज्यादा असर भारत के कुछ मुसलमानों पर हुआ है, कुछ लोगों पर हुआ है। लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक, कश्मीर से लेकर औरंगाबाद तक, या कश्मीर से लेकर औरंगाबाद, हर जगह गाजा जिंदाबाद, गाजा विल नेवर डाई। ये देखिए पोस्टर, देखिए क्या ये, गाजा विल नेवर डाई, फिलिस्तीन के मुजाहिदों के साथ हैं हम, ये नारेबाजी कर रहे हैं। नहीं भरोसा, मैंने तो बयान सुना दिया आपको, वो साहब कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन के मुजाहिदों के साथ हैं। मुसलमानों ने, ये देखिए आप अलग अलग तस्वीरें देखिए, मैं कुछ ही नहीं कह रहा हूं आज, लखनऊ, किशनगंज, कोलकाता, जयपुर, बड़गाम, हैदराबाद, औरंगाबाद, हमास ने बुलाया, देखो कौन कौन आया। हमास की अपील का बड़ा असर, मतलब सोचिए, मतलब मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ी, फ्री गाजा के पोस्टर लगाए, फ्री गाजा, गाजा के लिए दर्द हो रहा है कई लोगों को, फिलिस्तीन के लिए दुआ मांगी। हम ये नहीं कह रहे कि फिलिस्तीन के लिए दुआ मांगना गाजा का समर्थन है, लेकिन गाजा के आतंकवादियों को कवर फायर देने के लिए फिलिस्तीन के दर्द का जिक्र करना वो डेंजरस है, समझ रहे हैं आप। लेकिन कुछ ने एक कदम आगे बढ़ते हुए हमास का समर्थन कर दिया, लॉन्ग लिव गाजा कह दिया, हमास के लिए इंसाफ की मांग कर दी, न्याय अन्याय फिलिस्तीन के मुजाहिद कह दिया हमास के आतंकवादियों को। मतलब बहुत बुरा लग रहा है आज ये कहते हुए कि हमास की इतनी चिंता, पता नहीं फिलिस्तीन के लोगों को है या नहीं है, यहां बहुत है। हमास की चिंता भारत के एक वर्ग में दिखी कल, मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने भी कहा था कि हमास की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, हमास को जो है उसकी प्रतिक्रिया को आतंकवादी नहीं कहना चाहिए। ये तो कल का मैंने चिट्ठी दिखाई थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की। अब देखिए इनमें से किसी ने हमास के आतंकवाद को जमीन की लड़ाई बताया, तो किसी ने कह दिया कि हमास को आतंकवादी मत कहिए, वो तो सुभाष चंद्र बोस की तरह क्रांतिकारी है, हमास आतंकवादी, इन सबको हमास जाना चाहिए। जो जो हमास के, ये हमास का पीआर संभाला हुआ है, हमास प्रेमी गैंग हमारे देश में है कुछ, अब तो है, अब तो कोई डाउट नहीं है। जब पहले कहते थे लोगों को, कहते थे कि ऐसे ही बोल रहे हैं, अब तो मैंने सुना दिया, हमास को जब मीडिया आतंकवादी कहता है तो बहुत दर्द होता है इन लोगों को। हमास चंद्रशेखर आजाद की तरह क्रांतिकारी है, भगत सिंह की तरह है, खून खौलता है सब सुनकर। ये हमारे बीच में है ऐसे लोग, आजादी के लिए लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर हैं हमास के आतंकवादी, मतलब हमास को सेनानी बताया। पहले आप तस्वीरों के जरिए ऐसा करिए, आप देखिए हमास की अपील भारत में कितनी सफल रही, फिर हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर या मस्जिद में फिलिस्तीन के लिए दुआ करने
और मस्जिदों से खुलकर हमास का समर्थन करने में फर्क क्या है? तस्वीरों को देखकर आपको भी लगेगा आसपास हमास है, शायद एक बार सुनाइए तस्वीरें। जो फिलिस्तीनी हैं उनको उनका राइट मिलना चाहिए, उनका अधिकार मिलना चाहिए, फिलिस्तीनियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, और जो नाजायज कब्जे किए गए हैं इसराइल के जरिए से, उन नाजायज कब्जों को हटवा के वहाँ के ऊपर फिलिस्तीनियों को जो घर है उनके असल ओरिजिनल घर हैं उनको मिले। जर्मनी से, रूस से, पता नहीं कहाँ कहाँ से यहूदियों को बुलाकर फिलिस्तीनियों के घरों में बसाया जा रहा है और फिलिस्तीनी टेंट में रह रहा है, छोलदारियों में रह रहा है, तो इंसाफ कैसे होगा, अमन कैसे हो जाएगा भाई? लिहाजा फिलिस्तीनियों को उनका राइट मिले, यही हमारी दुआ है। इसराइल ने इससे पहले 75 साल से निरसन हत्याएं करी थी, उसके रिएक्शन में ये हमला हमास ने किया है। हमास को जब मीडिया आतंकवादी संगठन कहती है तो तकलीफ होती है, जिस तरीके से इंडिया में हमारे चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह हैं, इन लोगों ने अंग्रेजों से के चंगुल से हमारे शहादतें देखे, अंग्रेज उनको आतंकवादी कहते हैं लेकिन हम लोग उनको फ्रीडम फाइटर कहते हैं, उनको सलाम करते हैं। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज एग्रेसिव हैं उसमें मुझे ये जंग रुकती नज़र नहीं आती है। और हमास का इलाका तो बहुत छोटा इलाका है, वहाँ पे पानी बंद कर दिया गया, बिजली ख़त्म हो गई है, खाने पीने का हर रोज़ कम होता जा रहा है, तो किस तरीके के हालात बनेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। वो इस गलतफहमी में थे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रजातंत्र में रह रहे हैं जिसमें हर किसी को अपनी जायज आवाज़ उठाने का हक है, जिसमें बोलने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, किसी की दिलाजारी नहीं करी, उन्होंने फलस्तीन का साथ दिया, उनके ऊपर केसेस कर दिए गए। क्या फलस्तीन का साथ देना कोई जुर्म है? चाहे कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो, भारत जो निर्दोष नागरिक हैं जिन पे आतंकवादी हमला किया जा रहा है, तो हमेशा निर्दोष नागरिकों के साथ और मानवता के साथ खड़ा रहेगा। अच्छा एसपी हसन साहब, ये आपके लिए जो मैं बोल रहा हूं, अगर आप कहीं से देश नहीं झुकने देंगे का ये क्लिप अगर उन तक पहुंचाया जा सके, एसपी हसन साहब, फिलिस्तीन का समर्थन करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन हमास के आतंकवादियों की आतंक गाथा को फिलिस्तीन का दर्द बताना वो डेंजरस है। दरअसल दो दिन पहले हमास के पूर्व प्रमुख खालिद मेसहाल ने दुनिया भर के मुस्लिम और अरब देशों से अपील की थी कि शुक्रवार के दिन हमास के समर्थन में वहां के मुसलमान मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ते हुए फिलिस्तीन और हमास के साथ एकजुटता का प्रदर्शन करें। इस अपील का दुनिया भर के मुस्लिम देशों में जबरदस्त असर हुआ, जबरदस्त। हमास के आतंकवाद को फिलिस्तीन के हक की आवाज बताने वाले सड़कों पर थे, हमास के आतंकवाद को फिलिस्तीन का दर्द बताने वाले सड़कों पर थे। भारत में भी एसटी हसन साहब, मैं वो रिपीट कर रहा हूं, हमास के आतंकवाद को फिलिस्तीन का दर्द बताना वो डेंजरस है। हमास की एक आवाज में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए, आसपास बहुत हमास, किसी ने इसे फिलिस्तीन पर हुए अन्याय का नतीजा बताया तो किसी ने हमास से हमदर्दी दिखाई। वैसे आज इन तस्वीरों ने भारत के लोगों की आंखें खोल दी है, यकीन मानिए। इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान जैसे देशों में हजारों मुसलमान सड़कों पर उतरे, मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये लोग उतरेंगे भाई, मुस्लिम देश है वो, इनका सड़कों पर उतरना थोड़ा समझ भी आता है, लेकिन ये सब क्योंकि इस्लामिक देश है, अपील हमास की मुस्लिम देशों से थी, लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि जो इस्लामिक देश नहीं है वहां के मुसलमान हमास के आतंकवादियों के समर्थन में बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, फिलिस्तीन का दर्द बता रहे हैं हमास के आतंकवाद को। सिर्फ भारत जैसे गैर इस्लामिक देश में ही इनकी ये बातें नहीं या दुआ नहीं पड़ी गई, बल्कि जिन भी देशों में मुसलमान ठीक ठाक संख्या में है ना, उन देशों में भी नमाज पढ़ी गई, दुआ की गई, इसराइल का विरोध किया गया, गाजा के समर्थन में कहा गया लॉन्ग लिव गाजा, हमास के समर्थन में बातें की गई, फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी भी की गई। लेकिन इस दिशा में क्या है, मैं आज एक चीज कहता हूं, बहुत बुरी लगेगी कुछ लोगों को, हम लोगों को थोड़ा सा ना फ्रांस से सीखना चाहिए। जी हाँ, क्यों मैं बताता हूं, मैं खुलकर कह रहा हूं, थोड़ा फ्रांस से हम लोगों को सीखना चाहिए कट्टरता से कैसे निपटा जाता है, अगर कट्टरता होती है तो। क्या हुआ,
इस दिशा में फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। फ्रांस में फिलिस्तीन के समर्थन में होने वाली सभी रैलियों को बैन कर दिया गया, हो ही नहीं सकती। इसके बावजूद क्या हुआ, जब कुछ लोगों ने रैली निकालने की कोशिश की तो वहां की पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर सबक सिखाया। फ्रांस क्योंकि भाई देश पहले है, राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, एकता, अखंडता देश की लाइन है, इसराइल के साथ देश की लाइन है, तो कहां से आप फिलिस्तीन के साथ खड़े हो जाएंगे भाई। फ्रांस के राष्ट्रपति ने तो यहां तक कहा कि 2016 में फ्रांस के नीस शहर में हुए आतंकवादी हमले के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब फ्रांस के इतने नागरिक किसी आतंकवादी घटना में मारे गए। शनिवार को इसराइल में हमास के आतंकवादी हमले में 13 फ्रांस के नागरिकों की भी मौत हुई है। फ्रांस के नागरिकों की मौत हुई और फ्रांस के कुछ लोग अपने धर्म की वजह से फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, गाजा के साथ, जिस गाजा की वजह से फ्रांस के 13 नागरिकों की मौत हुई। अच्छा, इसी तरह ब्रिटेन के गृह मंत्री ने भी देश के पुलिस अधिकारियों से कहा कि वो फिलिस्तीन का झंडा लहराने वाले, हमास का समर्थन करने वाले और इसराइल के सर्वनाश के नारे लगाने वालों पर एक्शन करें। अच्छा क्या है आप लोगों को लेगा, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी पर कुठाराघात है, अभिव्यक्ति की आजादी को दमन किया जा रहा है, लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन है। नहीं भाई साहब, ब्रिटेन और फ्रांस ये वो देश है जहां अभिव्यक्ति की आजादी को बड़ा महत्व दिया जाता है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब आतंकवाद का समर्थन करना नहीं होता। हमास के लिए प्रार्थना करना या हमास को सेनानी बताना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होता, ये टू मच डेमोक्रेसी का नतीजा जो हमारे देश में है। लेकिन दोनों ही देश आतंकवादियों का साथ देने वालों के खिलाफ सख्ती बरत रहे हैं। दूसरी तरफ भारत, जहां एक आतंकवादी संगठन की अपील पर शुक्रवार के दिन कुछ लोग नमाज पढ़ने के बाद हमास के समर्थन में बातें करने लगे, हमास को सेनानी बताने लगे, नेशन रूड से पहले क्या ब्रदरहुड हमास के समर्थन में प्रदर्शन करते हैं, सुनिए पहले आप। मतलब जमशेदपुर, जामिया, हैदराबाद, किशनगंज, जगह जगह ये सारी तस्वीरें आई हैं। अच्छा, एक और चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी संवाद आज मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, क्या जाता है, मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि भारत में मुसलमान खतरे में है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है, बोलने की आजादी का दमन किया जा रहा है, बोलने नहीं दिया जाता है। और कितनी आजादी चाहिए? इसके उलट हमें जानते क्या लगता है, भारत में ना टू मच डेमोक्रेसी है, कुछ ज्यादा ही आजादी है आतंकवाद का समर्थन करने की भी खुलेआम, मतलब लोकतंत्र की अति देश की क्षति, कभी कभी लोकतंत्र की अति, टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। क्या हुआ, लोकतंत्र में आजादी की ओवरडोज आप कह सकते हैं, शायद इसी का नतीजा है कि हमास जिसने इसराइल पर आतंकी हमला किया, नरसंहार किया, बच्चों के सिर काटे, महिलाओं के साथ हैवानियत की, बम मारकर 1000 से ज्यादा लोगों को मार दिया, उसके बुलावे पर आज भारत की बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। कुछ लोगों ने तो हमास की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से कर दी, फिलिस्तीन के मुजाहिदों को नमन सलाम करा हमारे यहां के लोगों ने, जिसके हमले को खुद हमारे प्रधानमंत्री आतंकी हमला कह चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री ना नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, इनके प्रधानमंत्री हैं। आपको लगेगा हमास तो यहां से 4500 किलोमीटर दूर है, लेकिन इन लोगों के बयानों को सुनकर आपको लगेगा नहीं, आपके आसपास भी हमास है, कई हमास है। एक और चीज हमें लगती है कि जो लोग हमास को सेनानी या आतंकवादियों के कट्टरपंथ को मानवाधिकार का जामा पहना रहे हैं, फिर से सुनिए, जो लोग हमास को स्वतंत्रता सेनानी और आतंकवाद को, कट्टरपंथ को मानवाधिकार का जामा पहना रहे हैं, हमास के आतंकवादियों को फिलिस्तीन का दर्द बता रहे हैं, उनसे हमें लगता है सख्ती से निपटने की जरूरत है। चेहरे लोगों के सामने हैं, यही साहब जो अभी कह रहे थे कि हमास को आतंकवादी मत कहो, इनको बहुत बुरा लगता है, मतलब वो कल को भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकते हैं, ये आज गाजा के साथ खड़े हैं, हमास के साथ खड़े हैं, ये कल को लश्कर के साथ भी खड़े हो सकते हैं, पाकिस्तान के साथ भी खड़े हो सकते हैं, मतलब अगर कोई हमास के साथ है तो वो लश्कर के साथ भी, आतंकवाद तो एक है ना, चाहे हमास है, चाहे लश्कर है, चाहे जैश ए मोहम्मद है, चाहे उसामा बिन लादेन है, ये सब तो एक ही है। हमास को स्वतंत्रता सेनानी बताने वाले लोग और आतंकवादियों का खुलकर समर्थन करने वाले लोगों के चेहरे कैमरे में हैं भाई, और इन सब पर कानून के हिसाब से हमें लगता है कार्रवाई होनी चाहिए। ये सोसाइटी के पोटेंशियल थ्रेट हैं, और आगे भी मतलब किसी आतंकवादी संगठन के पक्ष में ऐसे किसी प्रदर्शन की इजाजत नहीं देनी चाहिए। फिलिस्तीन का समर्थन करिए, लेकिन हमास के आतंकवाद को फिलिस्तीन का दर्द बताना वो गलत, नंबर एक। नंबर दो, हमास को स्वतंत्रता सेनानी कहना गलत, क्योंकि आतंकवाद का दंश, मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, क्योंकि आतंकवाद का दंश सबसे ज्यादा हम लोगों ने झेला है भारत में। हमास को मजहबी डिस्काउंट, समझे आप, हमास जैसे आतंकवादी संगठन को, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हमास को मजहबी डिस्काउंट देने वाले लोगों से आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। बात करिए, समझिए,
कोई अगर हमास से सहानुभूति रखता है तो उससे संभल कर रहिए भाई साहब। अब आप सोचिए आखिर भारत के मुसलमानों के एक वर्ग को इसराइल का विरोध करने या हमास का समर्थन करने की जरूरत क्यों है? क्यों सिर्फ उम्मा यानी कि मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर पूरी दुनिया के मुसलमान अगर ऐसा कर रहे हैं, जब भारत की सरकार कह रही है भाई साहब कि हमास ने इसराइल पर टेररिस्ट अटैक किया तो हमास आतंकवादी संगठन, तो फिर मुसलमानों का एक वर्ग या कुछ लोग हमास गाजा या हमास के साथ क्यों है? क्या नेशनहुड से बड़ा ब्रदरहुड हो सकता है या होना चाहिए? आप लोग तय करिए। भारत में जितने भी मुसलमान रहते हैं उनमें से ज्यादातर देखिए ना तो अरबों के वंशज हैं ना तुर्कों के, ज्यादातर के पूर्वज हिंदू ही हुआ करते थे, ये तो हर कोई जानता है, वो मुसलमान भी कई मानते हैं। आक्रांताओं के भारत आने के बाद बहुत सारे हिंदुओं ने या तो डर के मारे या फिर इस्लाम से प्रभावित होकर इस्लाम अपना लिया, ये फैक्ट है। आज भी भारत और पाकिस्तान में कई मुसलमानों के सरनेम हिंदुओं के सरनेम जैसे हैं, आपने भी देखा होगा सेठी, चौधरी, डार, भट्ट, राजगुरु, पंडित जैसे न जाने कितने सरनेम जो हिंदू भी अपने नाम में लगाते हैं और भारत पाकिस्तान के मुसलमान भी। फिर क्या है मतलब, फिर भी भारत के मुसलमानों को अरब या तुर्की के मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच चल रहे विवाद में कूदने की हमारी क्या जरूरत? भाई हम पहले भारतीय हैं, हमको क्या पड़ा है? हमास से सहानुभूति रख के क्या कर लेंगे आप? एक बार देखिए, जाइए हुआ ये फिर गाजा, हमास जाइए बात करिए उनसे, देखते हैं क्या होता है। ये समझने के लिए ना आज आपको इतिहास में थोड़ा सा पीछे चलना होगा, मैं कुछ आपको समझाऊंगा। 1920 में भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब आप कहेंगे मैं खिलाफत आंदोलन की आज की बात कर रहा हूं, सुनिए, 1920 में भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी जी के आह्वान पर देश भर के मुसलमान इसमें शामिल हुए थे। क्यों? गांधी जी चाहते थे कि देश की आजादी में मुसलमान भी अपना योगदान बढ़ाए। लेकिन विडंबना यह थी कि इसके केंद्र में क्या था, खिलाफत आंदोलन के केंद्र में जानते हैं क्या था? तुर्की के खलीफा का राज, मतलब तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य को कायम रखने की मांग थी। पहले विश्व युद्ध के बाद मित्र देश चाहते थे कि तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य का अंत हो, यानी वहां के सुल्तान को हटाया जाए और लोकतांत्रिक सरकार स्थापित की जाए। अब ये लोग नहीं चाहते थे, उससे में ज्यादातर सुन्नी मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे। लेकिन विचित्र बात यह थी कि गांधी जी भारत के मुसलमानों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए कह रहे थे, लेकिन इसमें मुसलमानों की स्वतंत्रता शायद शामिल नहीं थी, बल्कि उन्हें इस्लामिक बंधुता के नाम पर संगठित किया जा रहा था। इस्लामिक बंधुता के नाम पर खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के लिए था। तो जो मुसलमान इसमें जुड़ रहे थे वो मतलब आजादी के लिए नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि बंधुता के नाम पर, इस्लामिक बंधुता के नाम पर, ब्रदरहुड के नाम पर वो जुड़ रहे थे। और भारत के मुसलमानों का तुर्की से कोई लेना देना तो था नहीं। लेकिन इस आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी अपने असहयोग आंदोलन की जमीन तैयार कर रहे थे। लेकिन मसला यह था कि मुसलमान भारत की आजादी के लिए संगठित नहीं हुए थे खिलाफत आंदोलन में, बल्कि उन्हें एक धार्मिक मुद्दे के नाम पर, तुर्की के खलीफा के नाम पर साथ लाया गया था। और नतीजे सबके सामने आए। जब असहयोग आंदोलन 1921 में अपने चरम पर पहुंचा, क्या हुआ? हुआ यह कि मालाबार के मोपला में मुसलमानों ने हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया, मंदिर नष्ट कर दिए गए, हजारों पुरुषों को मार दिया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, घरों को आग लगा दी गई, बच्चों तक को नहीं बख्शा गया और कई लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया। लगभग मतलब वही सब जो इसराइल में हुआ। यानी महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के नाम पर देश के मुसलमानों को संगठित करने में तो सफल रहे, लेकिन धार्मिक एकजुटता, इस्लामिक बंधुता, ब्रदरहुड, लेकिन क्योंकि ये मुसलमान देश की आजादी के नाम पर संगठित नहीं हुए थे बल्कि धार्मिक आधार पर संगठित हुए, तो मामला उल्टा पड़ गया। अच्छा, आपको लग रहा होगा मैंने ये कहानी क्यों सुनाई? हमने आपको कहानी इसलिए बताई ताकि आप ये समझ जाए कि जब जब भारत के मुसलमान इस्लामिक बंधुता या ब्रदरहुड के बहाने एकजुट हुए, तब तब भारत को क्या क्या देखना पड़ा, और जब जब देश के मुसलमान नेशनहुड के नाम पर एकजुट हुए तो भारत के दुश्मनों को मुंह की